सुशांत सिंह राजपूतर मृत्युर पर केटे गेछे 40 दिनेरो बेशी। एई प्रथमबार मृत्युर पर एक मर्मान्तिक मोड़ निल जखन सुशांत सिंह राजपूतर बाबा के सिंह एक भिडियोते बोलें तार मर्मान्तिक अभिज्ञतार कथा। एत दिन तिनी निश्चुप छिलें। मुम्बई पुलिस घटना तदंत करछिलो, विभिन्न लोक के डेके जेरा करछिलो। प्राय 40 जन के जेरा करार परे जखन मुम्बई पुलिस बोलेछिलो सुशांतेर मृत्युर घटनाय कोनो फाउल प्ले हयनि, तखनी सुशांतेर बाबा एक्शन नान, तिनी एफआईआर करेन। किन्तु आजके जा बोललेन ताते एटा स्पष्ट जे अनेक दिन आगे थेकेई तिनी आँच करते पेरेछिलेन तार छेले खुबी विपदेर मध्ये आछे। 25 फेब्रुआरी तिनी जानिएछिलेन जे तार छेले अत्यंत विपदेर मध्ये आछे एवं थ्रेट कल्सो पाच्छे। तार छेलेर आरो विपदेर आशंका बाढ़ते पारे एई बुझे तिनी पुलिशे रिपोर्ट करेछिलेन। प्रसंगत उल्लेख्य, तिनी निजेओ दीर्घ दिन पुलिशेर चाकरी करेछेन, काजेई नियमकानून सम्पर्के तिनी खूबई वाकिबहल। चलुन देखे नी এই প্রথমবার সুশান্ত সিং রাজপুতের বাবা কে সিং কি কি বললেন, কি কি জানালেন তার তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা। সবচেয়ে বড় ব্যাপার, তিনি আগেই বুঝেছিলেন এবং রিপোর্ট করেছিলেন, তা সত্ত্বেও কোনো ব্যবস্থাই মুম্বাই পুলিশ নেয়নি। শুধু তাই নয়, যাদের যাদের নাম করে বিপদের কথা বলা হয়েছিল তাদেরকেও কোনো রকম জিজ্ঞাসাবাদ বা জেরা কোনোটাই করা হয়নি। এবার দেখুন তিনি ঠিক কি বলেছিলেন, যাতে সন্দেহ আরও দৃঢ় হয় যে সুশান্তের মৃত্যু সত্যি একটি অস্বাভাবিক মৃত্যু এবং এর সিবিআই তদন্ত সত্যি হওয়া উচিত। 14 जून को जब मेरी बेटी की जान चली गई तो हमने 25 फरवरी में नामित लोगों के विरुद्ध एक्शन लेने को कहा, परंतु 40 दिन के बीच जाने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हार मानकर मैं पटना गया और अपने थाने में केस एफआईआर दर्ज की। पटना पुलिस तुरंत एक्शन में आई और परंतु मुजरिम अब भाग रहे हैं। हम सभी को चाहिए कि पटना पुलिस को मदद करें। श्री नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार और उनके सहयोगी मंत्री श्री संजय झा जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस दुख की घड़ी में सच का। Hey guys, this is Sharmila Maiti from Sharmila Show House and please subscribe my channel, click the bell button for more updates.